हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। वो क्यों साबित होगी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ट्रेड से हो उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, निमी के क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार यहीं पर रोक के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि लोग भी इसमें जुड़ सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लो। क्वेश्चन करेंगे शुरुआत और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कमेंट में देंगे, कमेंट करके आप लोगों को बताना, तो साथ में भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही शब्द से रिक्त स्थान की आपूर्ति कीजिए, एक दिया हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये नहीं कि आपको हिंदी मिलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश में दोनों मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है ये सेम टू सेम आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। बताइए जल्दी से, दे खाली स्थान गुड फ्रेंड्स, इसमें क्या आ जाएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज आएगा। तो फ्रेंड्स है बहुवचन, तो इसके साथ में आप क्या लगा देंगे, आर। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन अगर आपने आर लगाया था तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दो नंबर आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बहुत सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा स्वर नहीं है। अब आपने व्यंजन स्वर पढ़े होंगे तो स्वर तो बता दो कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई यू यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी हमारे क्या व्यंजन होते हैं। अब इसमें ये कौन सा स्वर नहीं है, जो मतलब कि ए ई आई यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर लगा देंगे सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आसानी से क्वेश्चन हो रहे होंगे और दो नंबर हर क्वेश्चन है, आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे। कब आप आई टी आई एग्ज़ाम मतलब दे दोगे, जब रिजल्ट आएगा तब दो नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार, ध्यान रखना, फोड़ देना है 25 में 25, इस बार ध्यान रखना। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं 10-12 मिनट की वीडियो लेके आया करूँगा, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बस 10 मिनट तो निकालो मेरे लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए निकालो, मेरे लिए क्या। चलिए, सर्कुलम वेले वेट्यू पूछा है, तो वी को किस रूप में जाना जाता है, तो बताइए किसके रूप में जाना जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए किसके रूप में जाना जाता है, सर्कुलम वेले किसके रूप में जाना जाता है। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा रिज्यूम, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की आपूर्ति कीजिए, शेयर मेड दिस केक, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ या हिम सेल्फ, क्या हो जाएगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग जल्दी सभी लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज़्यादातर तो सभी लोग सही लगा रहे हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से देख लो। इसमें बोला गया प्रश्न शब्द भरें, खाली स्थान इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाट व्हेन व्हाई हु, क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करें। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, दो नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए, या काम के समय पाबंद होना चाहिए, या फिर फैंसी मोबाइल रिंगटोन चाहिए। सबसे अच्छा शिष्टाचार क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए, जहाँ पर जिस तरीके का माहौल हो उसी तरीके से हमें कपड़े पहनना चाहिए, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की आपूर्ति करें, द ट्रेन खाली स्थान थर्ड इज द टनल, तो आप बोलेंगे पासिंग करेगा, इज पासिंग, हेड पास्ट, वाज पासिंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, राइट ऑप्शन है इज पासिंग। अगर इज पासिंग आपने लगाया तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बी ऑप्शन लगा दे रही है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, उचित
प्रश्नवाचक विश्लेषण से रिक्त स्थान की आपूर्ति करना है। खाली स्थान आर यू गोइंग, तो हु लगाएंगे, वेयर, विच, व्हाट। जल्दी सभी लोग कमेंट कर दो, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो। आप लोगों में कमेंट देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर, वेयर आर यू गोइंग, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यही सेम टू सेम मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने खुद एग्जाम दी है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110%। अगला क्वेश्चन, कौन एक संयोजन नहीं है, विच इज द, कौन सा हमको संयोजन नहीं है, एंड और बट ऑन, कौन सा नहीं है, तो मेरे दोस्त ऑन नहीं है, कौन ऑन नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन आपने लगाया है। तो आप लोगों का यहाँ से दो नंबर यहाँ से भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है वो हमें बताना है, 1, 5th, 8th या फिर 2nd। कोऑर्डिनेट नंबर पूछा है तो वो हो जाएगा 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो ए ऑप्शन इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे ट्रेनी, सभी साथी बोलेंगे हाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बायोडाटा होना चाहिए, जो बायोडाटा होता है वो संक्षिप्त में होना चाहिए और सटीक में होना चाहिए, संक्षिप्त में और सटीक में, बिल्कुल बाकी में ऑप्शन जरूरत ही नहीं, तो इसलिए कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मिडल वेयर, मिडल वेयर एकदम इसका सही आंसर। निम्न स्तर की भाषा जो होती है, निम्न स्तर की भाषा मिडल वेयर होती है, इसलिए इसका, एक मिनट, मिडल भाषा पूछी गई है तो मशीनिस लैंग्वेज होती है, कौन सी, मशीनिस लैंग्वेज, ठीक है, सी ऑप्शन के लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया मशीनिस भाषा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है, तो कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है, अभी मैंने बताया था वो हो जाएगा 1, यानी कि 1, 1 अपने आपने लगाया है तो ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बोलेंगे बिल्कुल सही। अगर आपका यहाँ तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ ट्रेनी, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा एम्प्लॉयबिलिटी में, 25 में से कम से 24 क्वेश्चन तो आप मार के आओगे। बस आप लोग इतना करो कि हर ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा, वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगती है, इस बात को आप समझना, ठीक है, आप लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, जब कॉल प्राप्त कर लेगा तो उसका कदम हो जाएगा साक्षात्कार में उपस्थिति हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल एकदम सही, जब उसका कॉल आ जाए तो वहां पर वो उपस्थिति हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, लाभ नहीं है ये पूछा गया। एक देखो, आत्मविश्वास बनाता है, ये तो बात सही है, सुनने के बाद क्या कौशल विकसित होता है, बिल्कुल बात सही, सुनने से हमारा कौशल विकास होता है। फिर क्या है, रचनात्मक समस्याएं समाधान कौशल विकसित करता है, बिल्कुल बात सही करता है, लेकिन इसमें एक फोर्थ ऑप्शन था वो मेरे से कट गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसमें बोला गया था वरीयत विकसित करता है, तो वरीयत विकसित क्या, भूमिका को निभाने में कभी विकसित नहीं करता, वरीयत मतलब बोर होना, इसलिए इसका डी ऑप्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन लगा देना, ठीक है, याद रख लेना, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विश्लेषण से रिक्त स्थान की आपूर्ति कीजिए। द लिटिल गर्ल्स, खाली स्थान आइस, रिवेलेड हर मशीन, मतलब मिसचीफ कह सकते हैं, मिसचीफ, तो कौन सा आ जाएगा इस खाली स्थान में, चुब्बी, वीक, शॉर्ट सिगिस्ट या फिर ट्विंकलिंग्स, तो ट्विंकलिंग्स कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन इसका, आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लगाएंगे सर वो हो जाएगा ट्विंकलिंग, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की आपूर्ति करना है मेरे दोस्त, मेड इज केक, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, तो माई सेल्फ एकदम सही हो जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने लगाया है इसका, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निष्क्रिय
आवाज़ में कौन सा है, पैसिव वॉइस में कौन सा हो जाएगा वो हमें बताना। पढ़ लीजिए, मोहन इज ए पेंटिंग ए हाउस, सी वॉज रीडिंग ए बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, आई हैव बीन दैट मूवी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, बिल्कुल सही सी ऑप्शन। आप लोग इसका आसानी से लगा सकते हो और दो नंबर यहाँ से भी आप लोग पा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है, कौन सा डी ओ जो है डी ओ एस चर्चा शिष्टाचार का है, शिष्टाचार मतलब एक अच्छा, ठीक है समझे इस बात को। चलिए, ए ओपन माइंडेड, यूज मैडरेट टोन, लिसन टू अदर्स, एंग्री अनक्रेसिंग। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्री अनक्रेसिंग, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने। हाउ हैव यू बीन, तो क्या हमारा सही आंसर होगा। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ा होगा कुछ इम्प्लॉयबिलिटी में, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगा। कमेंट कैसे करना, पहले अपना ट्रेड का नाम लिखना है, फिर इसका आप लोगों का इसका आंसर लिखना है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो तो, अगर मुझे लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो, तो मैं आपके लिए तुरंत वीडियो, आप लोगों ने कुछ भी करूँ, मैं आप लोगों ने समय निकाल के वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। 24 क्वेश्चन तो करके आना, इस बार ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और हाँ, आप लोग ये एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, यहाँ पर इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।